गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज अभी बज रहे हैं 11:30 आई थिंक। तो बस रेडी हो गई हूँ और अभी हम लोग जाने वाले हैं। एक्चुअली वो ग्लास वास है सारे मंदिर के, वो उसके ही ऑर्डर देने जा रहे हैं। तो बस उसके ऑर्डर दे के आएंगे, कुछ और चीज़ें लानी हो वहाँ से फर्नीचर के लिए तो वो भी लेके आएंगे। तो उसके लिए ही हम लोग जाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, सिर्फ चोटी बनाना बाकी है। बाल बांध लेती हूँ, आजकल खुले नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल है यार। एक दिन छोड़ के मुझे हेयर वॉश करना पड़ रहा है, इसी वजह से बांध ही लेती हूँ बालों को। और हाँ, ये जो निकला हुआ दिख रहा है आपको, ये ऐसे ही उन्होंने खोल के रखा है क्योंकि ये जो पीओपी है, मतलब पीओपी आपको ऊपर दिखेगी, तो पीओपी में जो सीरीज वगैरह लगानी पड़ती है उसके लिए वो खोल के रखा है उन्होंने, उसका पॉइंट देना पड़ता है। और नीचे काम अभी भी चल रहा है, बहुत सारा काम हो चुका है एक्चुअली। बस अभी फर्नीचर का काम हो जाए, उसके बाद कलरिंग का काम हो जाएगा, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे, इसी वजह से बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन लग गए यार इतने से काम के लिए। मतलब इतना सा काम नहीं था, बहुत सारा काम था। जब आप देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। मैं नीचे जाके आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या काम हुआ है। फर्नीचर का काम काफ़ी सारा हुआ है, अभी माइका ही लगाना बाकी है उस पर। तो पूरा फर्नीचर का काम एक्चुअली हो ही चुका है, बस स्टोर रूम का हो रहा है। और खाना वाना बना लिया है, अभी खाना ऊपर लाना है मुझे, खाना ऊपर लेके आऊँगे। आज रबड़ी बना रही हूँ तो उसके लिए दूध रख दिया है, तो वो भी अभी बन रही है नीचे। मैं सोचा तब तक फ्रेश हो जाती हूँ क्योंकि उधर जाना होगा, उधर फिर बहुत टाइम लग जाएगा, उधर से आने के बाद फिर इनको ड्यूटी भी जाना है, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी कर लिया ये सारा कुछ। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं, नीचे जाके दिखाती हूँ आपको क्या क्या हुआ है। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर इतना सारा कुछ काम हो गया है और दिल को तसल्ली मिल रही है यार। ये थोड़ा सा काम देख के, थोड़ा सा भी काम हो जाता है ना तो अच्छा लगता है कि चलो यार हो रहा है। तो अब तो मैं जब एडिट कर रही हूँ ना तब तो बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिल ही जाएगा। बट ये आप देख लीजिए टीवी यूनिट कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट करके। तो यहाँ पर ये टीवी यूनिट बना है, वो जो क्या बोलते हैं सीढ़ियों के नीचे वाला, सीढ़ियों के नीचे वाला जो पोर्शन है वो कवर कर दिया है फर्नीचर से। और उसके बाद यहाँ पर ये डोर पैनलिंग हुई है। और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, यहाँ पर ये बेसिन लग गया है, नीचे ये इसके शेल्फ बनी है। और यहाँ पर एक थोड़ी सी डिज़ाइनर शेल्फ बनाई है, ये डिज़ाइन मैंने दी थी। तो ये कैसी लग रही है ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और जो भी फर्नीचर बना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। यहाँ पर भी डोर पैनलिंग हुई है। और उसके बाद ये मंदिर बन रहा है, तो ये मंदिर इनकम्प्लीट है तो इसी वजह से आपको इस तरह से दिख रहा है। कंप्लीट हो जाने के बाद बहुत अच्छा लुक आएगा इसका, तो आपको भी पसंद आने वाला है एक्चुअली, मुझे लग रहा है ऐसे, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी ये इसका फाइनल लुक तो बाद में पता चलेगा, अभी थोड़ा सा इसको सनमाइका वगैरह लगा है, जब मैं एडिट कर रही हूँ तब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा इसका। ये हो सकता है मैं सनमाइका लगा हुआ शूट करूँगी, नहीं तो फिर डायरेक्ट ग्लास वास लगे हुए शूट करूँगी। तो जैसे कि आपको देखना है आप जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। और यहाँ पर ये मैंने बोला है थोड़ा सा इसके टेबल का वो निकला हुआ है, तो वो मैंने उनको बोला है कि आप वो थोड़ा सा अच्छे से कर दो। और ये मेरा पुराना मंदिर है तो ये भी मुझे सेल करना है। कुछ लोग पूछ रहे थे मुझे कि आप जो पुराना सामान है वो सेल करने वाले हो क्या, तो हाँ मैं सारा सेल करने वाली हूँ जो सामान है। ऊपर के रूम में जो भी सामान है जो पुराना है, बेड वेड, जो सोफ़ा पुराना है, मतलब जो मेरा हॉल का सोफ़ा नहीं, वो तो नया ही है, हमने बनवाया था वो, जो शादी का था पुराना वाला सोफ़ा, वो भी सेल करने वाला है। रखने से कोई फ़ायदा नहीं है यार, मतलब अगर दूसरा ही बनाना है तो वो सारा कुछ सामान कहाँ रखे इतना कुछ। तो ये पल्ले वल्ले भी लग गए अभी। और ये तो थोड़ा सा किचन भी थोड़ा सा मैंने अच्छा कर दिया है, तो थोड़ा सा अच्छा हो गया है किचन, क्योंकि ट्रॉली वॉलीज भी पूछ लिए बोल रही थी। बट बाकी का किचन जो है वो बाद में थोड़ा सा सेट होगा, क्योंकि ये ना कलरिंग हो जाने के बाद ही पूरा अच्छे से लगा सकती हूँ मैं। तो इसी वजह से मैंने एक बात की है, मतलब एक लेडी से, कि वो मुझे थोड़ा सा हेल्प करेगी सारा किचन वगैरह समेटने के लिए और किचन लगाने के लिए। तो थोड़ा सा टेंशन मेरा ख़त्म हो गया है, तो इसी वजह से अभी वो जब आएगी तभी स्टार्ट होगा ये। मतलब उसको मैंने एक्चुअली जानबूझ के लेट बुलाया है, क्योंकि यहाँ पर तो अभी डोर्स भी लग गया है, ये डोर्स उन्होंने निकाल के रखे थे तो इसको सनमाइका लगाना बाकी था। जब मैं एडिट कर रही हूँ इसको डोर्स भी लग गया है, उसके बाद इसका काम भी चल रहा है। तो आज मैं शूट करूँगी और आपके लिए आज का जो वीडियो है वो 1-2 दिन में आ जाएगा। तो ये आज आप देख लीजिए, इस तरह से मेस पड़ा है। और उसके बाद आप जब देखोगे तो नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही थोड़ा सा मेसी दिखेगा आपको। बट थोड़ी सी तसल्ली मिल रही है यार, मतलब जो भी कुछ हो रहा है तो थोड़ी सी तसल्ली मिल रही है। यहाँ पर भी मैंने उनको थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए बोला है। जो मेरा पुराना भी फर्नीचर था, मतलब ये जो किचन का फर्नीचर था, इसमें भी मैंने लाइट्स वाइट लगाने के लिए बोला है उनको। और यहाँ पर मेरी रबड़ी बन रही है, यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता धो के रखा है, यहाँ पर सारा कुछ ऐसे ही। ये सारा कुछ मुझे अभी ऊपर लेके जाना है खाना खाने के लिए। ये दूध गर्म करके रखा है, ये बर्तन धो के रखे हैं, और ये सारा मेसी दिखेगा यहाँ पे आपको, बट कोई बात नहीं। जिनके घर पे काम चला होगा, मतलब रहने के लिए आने के बाद, तो उनको पता होगा मेरा जो ये है, मतलब टेंशन है, वो समझ पा रहे होंगे। तो बस यहाँ पर मेरी रबड़ी बन रही है। थोड़ी देर के बाद मैं रबड़ी बन जाने के बाद भगवान को भोग लगा दूँगी। उसके बाद ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पीओपी इस तरह से बनी हुई है। और उसके बाद उधर चलते हैं, तो उधर भी आपको यहाँ का तो आपने देख ही लिया। ये जो है ना, ये बेडरूम के नीचे दिख रहा है आपको, ये बेडरूम के टीवी यूनिट का है। तो सिंपल सा बेडरूम का टीवी यूनिट है, नीचे ही ड्रॉर्स लगाए हैं हमने, बस बाकी कुछ नहीं है। मतलब बस वो ड्रॉर्स लगेंगे और उसके बाद ऊपर टीवी हैंग होगा, बस वही टीवी यूनिट बनेगा बेडरूम का, बाकी कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से है। इसके अंदर ना वो पाइप लगेगा, इसके अंदर थोड़ा सा कुछ रखने के लिए, मतलब बीच में पार्टीशन होगा और उसमें कुछ रख सकते हैं हम लोग, जैसे वॉशिंग मशीन का सामान हुआ, लॉन्ड्री का सामान हुआ, वो सारा कुछ यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए बनाई हैं। और ये थोड़ा सा यहाँ पर ग्लास वास लगेंगे, थोड़ा सा जब फाइनल लुक आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा दिखेगा आपको। उसमें थोड़ा सा स्टोन्स वगैरह डालेंगे हम लोग, तो वो होगा। यहाँ की पीओपी कुछ इस तरह से है। और उसके बाद ये जो क्या बोलते हैं पैसेज है, वहाँ की पीओपी कुछ इस तरह से है। सारे इसमें लाइट नहीं लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जाता, मतलब उजाला हो जाता वहाँ पे, तो इसीलिए दो ही इसमें लाइट लगाया है हमने। और ये जो है ये, हाँ, ये डोर जो दिख रहा है आपको, इसमें सनमाइका लगेगा। और ये डोर्स उसी लिए निकाल के रखे हैं, मतलब वो जो स्टोर रूम के नहीं है शेल्फ के डोर्स, वो है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से बेडरूम में पीओपी बनी है। उसके बाद ये वाली जो वॉल है, इस पर टेक्सचर बनेगा। तो अभी तो टेक्सचर भी स्टार्ट कर दिया है उन्होंने बनाना, जब मैं एडिट कर रही हूँ उस टाइम टेक्सचर भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। कुछ दिन के बाद आपको टेक्सचर भी देखने के लिए मिल ही जाएगा वो वाला। उसके बाद आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा बेडरूम भी मेरा। और फाइनल लुक तो आप बाद में देख ही लोगे, फाइनल लुक ना आपको बहुत अच्छा दिखने वाला है, क्योंकि अभी से लुक आ गया है थोड़ा सा। जो भी हुआ है उसमें ही मैं थोड़ा सा, मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो यार, ये ऊपर ऊपर उन्होंने थोड़ा सा बनाया था, वो छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनके पास जो सामान चाहिए था उसका तो वो नहीं था उस दिन, इसी वजह से वो छोड़ के चले गए थे वो वाला थोड़ा सा। और यहाँ पर इस तरह से लाइट्स लगाए हैं। और बस ये थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, तो उसको जो सीरीज की पट्टी नहीं होती है लाइटिंग, तो वो लगाना बाकी है। तो उसके बाद आपको लुक पता ही चल जाएगा, जब कलरिंग होगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो कलरिंग के बाद का भी एक वीडियो बना के डालूँगी मैं, तो आप देख लेना। शायद हो सकता है नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में तो मैं आपको बाद में जो फर्नीचर बना है वो दिखाऊंगी, और उसके नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा जो कलरिंग वगैरह ये सब। इसी वजह से मैं दो तीन दिन का गैप ले रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा कुछ देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी तो होता नहीं है। अगर मैं डेली भी ब्लॉग डालूँ ना तो डेली तो थोड़ा थोड़ा ही काम होता है, इसी वजह से मैं एक दो दिन के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि यार क्या हुआ है एक दो दिन में। तो इतना हुआ है। और बस ये वाला अभी कलरिंग होने के बाद ना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों को कलरिंग होगा, ये सारी चीज़ें पोछी जाएगी, उसके बाद अच्छा लगेगा। क्योंकि सारी चीज़ों को वाइट हाथ लगे हुए हैं ना, तो उसी वजह से वो बहुत गंदा दिख रहा है। ये मेरा बेसिन देखो, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। मैं तो परेशान हो गई हूँ यार इन चीज़ों को देख देख के, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अच्छी ही देखी हुई है। इसी वजह से मुझे ना ये चीज़ें देख के ना, मेरी मतलब यूज़ की हुई चीज़ें देख के बहुत ख़राब लग रहा है कि यार ये चीज़ें इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है। तो ये सब कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी। और आप ज़रूर बताना, ये डिज़ाइन मैंने दी है ये वाली टीवी यूनिट की, तो टीवी यूनिट की डिज़ाइन कैसी लग रही है ये ज़रूर बताना। फाइनल नहीं है अभी तक, इसमें और चेंजेस करना बाकी है, थोड़े से और कुछ लगाना बाकी है, तो वो लग जाए तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से दिखेगी। और हाँ, ये जो आपको बीच बीच में घर की आवाज़ आ रही है ना, ये मशीन की है, कारपेंटर के मशीन की आवाज़ है, तो वो तो आपको आएगी, क्योंकि एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ मैं यार, वीडियो एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ। अभी रात को एडिट करने के लिए जाती हूँ तो रात को मैं थक जाती हूँ, तो इसी वजह से कल से मैं सोच रही हूँ ये वाला वीडियो एडिट करने के लिए, बट ये वाला वीडियो ना एडिट कर ही नहीं पा रही थी मैं, तो अभी फाइनली ले लिया हाथ में। तो ये ऐसे कर करके आवाज़ आ रही है बीच में, वैसे आपको रियलिटी तो सब कुछ पता ही है कि क्या हो रहा है, इसी वजह से मैं इतना टेंशन नहीं ले रही हूँ। मैंने सोचा चलो जाने दो, जैसा भी है वैसा आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर रबड़ी भी मेरी रेडी हो गई है, तो अभी मैं भगवान को भोग लगा दूँगी। और ये जो शूट कर रही थी ना, माही शूट कर रही थी एक्चुअली, तो माही को मैंने, जब तक मैं रेडी हो रही थी ना, तो माही को मैंने बोल दिया था कि आप शूट कर लो। माही भी बहुत हेल्प करती है यार शूटिंग वूटिंग में मेरी, तो वैसे वो भी अभी उसको भी पता चल गया है कि मम्मा का क्या काम है, तो उसको मैंने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे उसने शूट कर लिया। ये देखिए यहाँ पर मेरा भगवान का भोग भी लग गया है यार, भगवान के ऊपर भी थोड़ी सी धूल है और क्या करूँ यार, मेरा मतलब जितना भी पोछो इसको उतना हो ही रहा है। इतनी धूल हो रही है आजकल घर में ना, मतलब जहाँ देखो वहाँ काम ही चल रहा है। कभी इलेक्ट्रिशियन आ जाते हैं, कभी कारपेंटर का तो डेली काम चल रहा है, वो इलेक्ट्रिशियन का 2-4 दिन के बाद वो आ जाते हैं, मतलब जो भी काम होता है उनका वो एक दिन में कंप्लीट कर देते हैं। फिर और 2-4 दिन के बाद जब काम होता है उनका तो वो हम लोग बुला देते हैं उनको, तो ऐसे होता है। और हाँ चलिए फिर अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैंने तिल धो के रखे थे उस दिन मैंने आपसे शेयर किए थे कि तिल थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो वो मैंने वॉश कर लिए थे, वो सूख भी गए थे। उसके बाद अभी उसको मैंने भून लिया है तिल को, उसके बाद मैंने उसमें लाल मिर्च डाल दी है 5-6, और इसकी सारे तिल की मैं अभी चटनी बनाने वाली हूँ। नहीं तो क्या होगा कि ये तिल मैं ऐसे ही रखूँगी ना और ख़राब हो जाएंगे, इसी वजह से भून के भी रखूँगी ना तो इसकी थोड़ी सी स्मेल आएगी, और ये चीज़ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ में, मतलब ये जो तिल है मतलब किसी चीज़ में यूज़ नहीं होंगे। इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि इसकी चटनी बना दूँ, इसीलिए मैं इसमें थोड़े से जो गार्लिक है, क्या बोलते हैं, लहसुन, तो लहसुन में छिलके डाल दूँगी और उसमें थोड़ा सा जीरा नमक डाल दूँगी और इसको पीस लूँगी, तो इस तरह से इसकी चटनी बना लूँगी ताकि ये खाने में आ जाए। नहीं तो ये ना थोड़े से मुझे लग रहा था ऐसे कि ये अगर मैं रखती ना तो और ख़राब हो जाते, इसी वजह से मैंने ये चटनी बना ली और बहुत टेस्टी बनी थी चटनी। वैसे भी तिल की चटनी, मूंगफली की चटनी बहुत टेस्टी बनती है, और आप लोग बनाते हो कि नहीं ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। चटनी ना मैं तिल की बनाती हूँ और उसकी बनाती हूँ, मूंगफली की बनाती हूँ और जवस की चटनी बनाती हूँ। जवस को क्या बोलते हैं हिंदी में, जवस ही बोलते होंगे, पता नहीं, हमारे यहाँ पे मराठी में जवस बोलते हैं, तो हिंदी में पता नहीं यार क्या बोलते हैं। इंग्लिश में उसे फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, बट हिंदी में उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जवस ही बोलते होंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि जवस बोलते हैं या और कुछ बोलते हैं। तो बस ये बना ली है मैंने चटनी, और इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। उसके लिए जो चीज़ हमें लानी है वहाँ से, मतलब ग्लास वास का ऑर्डर देना है और कुछ चीज़ें लानी है, तो उसके लिए निकल जाएंगे। और ये बन गई है तिल की चटनी, बहुत सारी चटनी बनी है यार, मतलब आधा केजी से ज़्यादा थे तिल, तो उसकी चटनी बनाई है, तो काफ़ी सारी चटनी बन गई। ये काफ़ी दिनों तक अभी चल जाएगी हमारी। तो यहाँ पर निकल चुके हैं हम लोग वहाँ पे जाने के लिए, तो वहाँ पर जाके मिलती हूँ आपसे, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें थी यार, मतलब जब देखा ना तब इतनी ज़्यादा पसंद आई मुझे, बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। मतलब कोई भी अच्छी चीज़ लो तो कॉस्टली तो होती ही है, तो इतनी कॉस्टली थी कि थोड़ा सा बजट का भी देखना पड़ रहा था, और बजट के देखने के चक्कर में ना थोड़ा सा वो हो रहा था कि यार पहले तो इतना बजट चला गया। अभी आप लोगों को बताऊंगी मैं, एक्चुअली बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसमें कितना बजट गया है, तो उसके लिए मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी आपको अगर चाहिए हो तो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि कितना खर्चा आया है, कौन कौन सी चीज़ों में क्या कितना खर्चा आया है, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो एक सेपरेट ब्लॉग बना दूँ आपके लिए, तो अच्छा रहेगा, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या क्या खर्चा आया है। आपको अगर सुनने में इंटरेस्ट होना तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्लास में इचिंग करके उन्होंने सैम्पल्स लगाए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। अगर आप अपना घर रिनोवेट करने वाले हो, या आपका घर बन रहा है, या आप अपना घर बनाने वाले होंगे, तो आपके भी काम आ जाएगा। मतलब आप इस तरह से शोपीस लगा सकते हो। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शोपीस थे, और पता है यहाँ पे जो नीचे पॉट दिख रहा है वो आप इंडोर प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो उसमें, बट बहुत ज़्यादा महंगे थे यार। मतलब कोई भी अच्छी चीज़ महंगी होती है, आप उसका तो सोचो ही मत। और वो भी जो क्या बोलते हैं, जैसे कि डेकोरेटिव आइटम है तो वो तो महंगे ही होंगे। और ये देखिए यहाँ पर मंदिर वगैरह थे, तो इसकी तो कॉस्ट नहीं पूछी हमने, बट इसकी 20-25 हज़ार के ऊपर ही होगी कॉस्ट। तो इस तरह के मंदिर हमने पहले देखे थे, जब हम लोग वो जो सागवान का मंदिर है मेरा, वो सागवान का मंदिर हम लोग देखने गए थे ना, उस टाइम हम लोगों ने ये वाले मंदिर देखे थे। और ये जो ग्लास का मिरर है ना, ये पत्ते वाला, तो ये 15,000 शायद रेट बताया था उन्होंने। इस तरह से ये जो पेंटिंग्स वगैरह है, ये है, मतलब ये शोपीस है बहुत अच्छा अच्छा। ये मैंने ये पत्ते वाला पूछा था, ये कुछ 8,000 या 9,000 ऐसे, 8,000 में ही बोला था उन्होंने ऐसे। तो इस तरह से मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने इनको बोला भी था कि हम लोग वो ले लेंगे, पर पता नहीं अभी बजट तो बहुत ज़्यादा जा रहा है यार घर का, तो इसी वजह से थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है अभी, नहीं तो फिर पहले तो थोड़ा सा वो था, एक साथ में ही हम लोगों ने काम कर लिया ना पूरा का पूरा, इसी वजह से थोड़ा सा बजट और बजट हो गया है हमारा। तो देखते हैं अभी अगर होता होगा तो, जो मैंने हाथ लगाया ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था मुझे, तो इसके लिए जगह भी मैंने सोच के रखी थी, इसी वजह से वो देखा है मैंने, बट अभी कैसे होगा क्या होगा वो पता चल जाएगा। अगर लेना हो तो वो ले लेंगे, इससे भी अच्छा अगर मिल गया तो वो ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे मंदिर की सीएनसी की डिज़ाइन देने, मतलब अंदर है वो, और ये सारा कारखाना है उनका, मतलब ये जो पूरा, ये कुछ लोग पूछेंगे जो अमरावती से है तो वो लोग पूछेंगे मुझसे, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ कि ये जो है यहाँ पर हम लोग आए थे, ये MIDC एरिया है, MIDC में हम लोग आए थे, और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब उसी का काम चलता है ना ग्लास वास का, तो इसी वजह से यहाँ पर आए थे। यहाँ पर हम लोगों ने मंदिर के ग्लास की डिज़ाइन दी, यहाँ पर हम लोगों ने CNC की डिज़ाइन दी उन्हें, और ये हमारी CNC की डिज़ाइन है, ये फाइनल CNC की डिज़ाइन बन गई थी, इसी वजह से मैंने शूट कर लिया और हम लोग निकल गए थे वहाँ से, मतलब मंदिर के डोर की डिज़ाइन और ग्लास की डिज़ाइन वो सारी चीज़ें देखे। तो यहाँ पर ना ये वाले पॉट वगैरह दिखे हमें, तो यहाँ पर मैंने इनको गाड़ी रोकने के लिए बोला था, तो यहाँ पर देखे मैंने तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे पॉट्स दिखे मुझे, सिरेमिक के पॉट्स हैं सारे, और मुझे ना एक्चुअली लेना ही था सारे सिरेमिक्स के पॉट्स, बट यहाँ पर आई ना तो उनको, अगर उनको लगा कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, मैं इनको बोल रही थी ना ऐसे दिखाना नहीं चाहिए इन लोगों को, तो जब उनको पता चल जाता है ना इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, वो बहुत ज़्यादा हाई रेट बताते हैं, पता नहीं यहाँ पर वही रेट बता रहे होंगे, बट एक बार मैं यहाँ पर और एक बार विज़िट करूँगी मतलब लेने के लिए। बट यहाँ पर मैं देख रही थी तो उन्होंने, उनको मैंने पूछा ना रेट, तो बहुत ज़्यादा रेट बता रहे थे, मैंने ऑनलाइन वगैरह भी देखे तो इतने रेट नहीं थे, बट यहाँ पर पता नहीं वो इतने रेट बता रहे थे ना कि मेरा लेने का मन ही नहीं किया, इतना ज़्यादा सुंदर सुंदर पॉट्स थे। मतलब अभी पता नहीं शूटिंग में आपको पता चल रहा है नहीं, बट जैसे हम लोग रियल में देखेंगे ना तो रियल में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर थी। थोड़ा सा पास से मैंने दिखाने की कोशिश की आपको, पता नहीं आपको पता चल रही है या नहीं, और आप लोगों के यहाँ पे इसके रेट्स क्या है तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, ये बड़े बड़े वाले पॉट के और ये छोटे वाले पॉट्स के, तो इसके रेट अगर आप लोगों के यहाँ पे, अगर आप दिल्ली वगैरह उस साइड में रहते हो, मतलब जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा मिलती है, तो उस साइड में रेट क्या चल रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। ये बड़े बड़े वाले पॉट ना मुझे लेने हैं यार, मतलब बहुत सुंदर लगे थे मुझे ये, मतलब थोड़ा सा कलरफुल लेने हैं मुझे, अभी घर पूरा बन जाने के बाद मैं लूँगी। एक्चुअली एक बार और विज़िट करनी है मुझे यहाँ पे, तब पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग ना बिज़ी थे थोड़े से उस दिन, और उसमें मैंने उनको गाड़ी रोकने के लिए बोला था, थोड़ा सा मतलब और भी काम थे, हमें कहीं जाना था और भी वो चीज़ लाने, तो इसी वजह से हम इतने अच्छे से देख नहीं पाए, और उसने ना हाई रेट बता दिए ना तो हम लोग चले आए फिर घर पे। तो हमने सोचा कि एक दिन आराम से जाएंगे, फुर्सत से उसको बोलेंगे, पूछेंगे उसको रेट थोड़ा सा कम करने के लिए बोलेंगे और फिर लेके आएंगे, क्योंकि ये ना अभी दिवाली का सीज़न है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हाई रेट बताते हैं। तो गाइज़ हम लोग आ गए घर पे और खाना वगैरह खा लिया, ये ड्यूटी भी चले गए हम, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ और व्लॉग को भी एंड कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर गए ना तो इतना ज़्यादा लेट हो गया। उसके बाद वहाँ पर एक वो भी दिखा था हमें, बट हमने कुछ लिया नहीं यार वहाँ से, वो पॉट वगैरह दिखे थे चीनी मिट्टी के, मुझे लेने थे बट वो ना रेट ही नहीं कम कर रहा था, मतलब बहुत रेट बता रहा था, तो इस वजह से रेट उतने ज़्यादा है नहीं उसके, बट दिवाली का टाइम है तो बहुत ज़्यादा रेट बता रहा था वो। मैंने ऑनलाइन भी देखे थे वैसे, बट इतने रेट ऑनलाइन भी नहीं थे, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट थे, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए बोला तो बिल्कुल कम नहीं कर रहा था, इसी वजह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया वहाँ से, तो वैसे ही घर पे चले आए। तो अभी खाना वगैरह खा लिया है। चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपको घर का रिनोवेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताना मुझे, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे 2 और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।